दोस्तों, योगी जी के इस बयान से हर गुंडे बदमाश घबरा गए हैं। कुछ दिन पहले स्कूल से आती हुई लड़की को शाहबाज और फैसल द्वारा लड़की के दुपट्टे को खींचने की वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना में लड़की साइकिल से अनबैलेंस होकर पीछे से आती हुई बाइक से टकरा गई। दुर्घटना के बाद लड़की की मृत्यु हो गई। उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। यही योगी जी ने साफ साफ कह दिया कि जो भी युवक बहन बेटियों को छेड़गा उसका इंतजार आगे यमराज करेगा। लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती भी किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहाँ भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। इसी का उदाहरण आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जब इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और मेडिकल के लिए ले जाया गया तो इन्होंने वहाँ से भागने का प्रयास किया। इसी प्रयास में पुलिस द्वारा उनके पैरों पर गोली मारकर उनको पकड़ा गया। इन तीन लोग में से एक लड़का नाबालिग था जिसको पैर में भागते समय फ्रैक्चर आया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में इसे फैसले लेने से वहाँ के गुंडे बदमाश दहशत में रहते हैं। जय श्री राम।